राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में आवारा गोवंशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये लाख दावे किए जा रहे हैं कि आवारा गोवंशों से निपटने के लिए उन्हें गौशालाओं में भेजा जा रहा है, लेकिन गौशालाओं में गोवंशों की स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी भी बड़ी संख्या में आवारा गोवंश विचरण कर रहे हैं, एक खेत से दूसरे खेत की फसलों को चर रहे हैं, और जब ग्रामीण आक्रोशित होते हैं तो इन आवारा गोवंशों को सरकारी जो भवन है उनमें बंद करने से भी नहीं चूकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गौशाला में बंद किए गए आवारा गोवंशों को प्रधान पर छोड़े जाने का आरोप है, और जिसके बाद ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी 40 बीघे रबी की फसल को ये आवारा गोवंश चरकर बर्बाद कर दिए हैं। इससे आक्रोशित ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। तो हम सीधे चलते हैं सिधौली, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता राजेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, ये किस ग्राम पंचायत का मामला है, क्या किसानों का आरोप है और वहां पर अब क्या स्थिति है? जी, सिधौली कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत असोनहन निवासी कई दर्जन किसानों ने गांव के बाहर एकत्रित होकर के हंगामा काटा। किसानों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अशोक कुमार द्वारा बीती रात को दर्जनों गोवंश जो ग्राम पंचायत में बनी हुई गौशाला में पहले से बंद थे उनको छोड़ दिया गया है, जिससे 40 बीघे से ज्यादा फसल इन किसानों की आवारा पशुओं द्वारा चट गई है, जिससे आक्रोशित होकर कई दर्जन ग्रामीण मानपुर असोंधन संपर्क मार्ग पर घंटों प्रदर्शन किया। और इन किसानों का मांग थी कि जो है जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इनके जो फसल नुकसान हुई है उसका मुआवजा दें, तथा जो आवारा पशु इधर उधर टहल रहे हैं उनको पुनः उसी गौशाला में बंद किया जाए, जिसको लेकर के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं बनवारी लाल थे, सत्येंद्र कुमार, नीरज कुमार, छोटे लाल, पंकज कुमार और ज्ञानेंद्र कुमार, पहाड़ी गुड्डू सहित कई दर्जन ग्रामीण काफी देर तक हंगामा काटा। उसके बाद वो बराबर मांग करते रहे। हालांकि मौके पर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा और उसके बाद किसान शांत होकर घर तो चले गए हैं, लेकिन उन चेतावनी दी गई किसानों के द्वारा यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनको मुआवजा नहीं दिया गया, तो ये पुनः इस जो है प्रदर्शन को आगे फिर सिधौली मुख्यालय पे करेंगे। बिल्कुल, तो आक्रोशित हैं ये किसान, आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोशित होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनके खून पसीने की कमाई जो फसल है उसको ये आवारा गोवंश चट कर जा रहे हैं। आरोप ये है कि ये सारे आवारा गोवंश जो गौशालाओं में बंद थे और ग्राम प्रधान ने इन्हें छोड़ दिया, जिस कारण 40 बीघे इनकी रबी की फसल को इन आवारा गोवंशों ने चट कर बर्बाद कर दिया। यही नहीं, आवारा गोवंश जितनी फसल को चट कर रहे हैं उतना ही रौंद कर बर्बाद कर दे रहे हैं, जिससे किसान परेशान और तबाह है। आलम यह है कि रात रात भर किसान अपनी फसलों को रखाता हुआ घूम रहा है, फिर भी ये आवारा गोवंश उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। जब जो है आवारा गोवंशों को खदेड़ कर किसान गौशालाओं में पहुंचाता है तो वहां का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्राम प्रधान उन्हें छोड़ देते हैं। दरअसल सीतापुर की बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो जिनमें क्षमता से ज्यादा जो है आवारा गोवंश भर दिए गए हैं, और जो इन्हें संचालित कर रहे हैं गौशालाओं को उनका दुखड़ा अलग है। उनका कहना है कि जो इन पर व्यय हो रहा है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, कमीशन के चलते जब भुगतान नहीं होता है तो वो उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं गोवंशों की, जिस कारण गोवंश गौशालाओं में दम तोड़ रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। रेउसा का मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, और जो महीनों से पैसा बकाया हुआ था, कई महीनों का जो वहां का ग्राम प्रधान था उसका भुगतान हुआ है, और उसका आरोप था कि भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि कमीशन नहीं ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं
जिनको लेकर आवारा गोवंशों से फिलहाल किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सिधौली का ये नया मामला नहीं है, पिछले दिनों खैराबाद इलाके में आपको दिखाया गया किस तरीके से आज ही जाकर आवारा गोवंशों से लोगों ने उन्हें गौशाला में नहीं बल्कि एक बाड़ा बनाकर वहां बंद कर दिया। जब वो गौशाला लेकर आवारा गोवंशों को पहुंचे तो वहां पर ये कहा गया यहां पहले से ही क्षमता से अधिक आवारा गोवंश हैं, इसलिए वो नहीं इन्हें ले सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपना खुद का एक बाड़ा बनाया, उसमें आवारा गोवंशों को बंद कर दिया। और रौसा इलाके की जो गौशाला है वहां पर किस तरीके से अव्यवस्था देखने को मिली थी, एक दर्जन पशु दम तोड़ दिए तड़प तड़प कर और कई पशु बीमार मिले थे, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने नाराजगी जताई थी। वीडियो हो या फिर वहां की जो पशु चिकित्सक थी उन पर, जिसके बाद जिला अधिकारी अनुज सिंह ने मामले में संज्ञान लिया। सीडीओ अक्षत वर्मा ने भी जांच बैठाई और इसके बाद जो वहां पशु चिकित्सक थे उनके तबादले के लिए भी संस्तुति कर दी गई है। तो ऐसी शक्ति भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो समय पर नहीं जाग पा रहे हैं। अभी तक 6 साल होने जा रहा है और आवारा गोवंशों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उन्हें उनका पालन पोषण हो, कैसे उन्हें सुरक्षित किया जाए, कैसे उनसे होने वाले नुकसान से किसानों को बचाया जाए, इस पर कार्य नहीं हो सका है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। दरअसल पिछले साल भी आप जब चुनाव थे तो सबने देखा था कि इसका आक्रोश, किसानों के आक्रोश से मोदी योगी सरकार को दो चार होना पड़ा था। योगी सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने वोट पोल भी किया था और जिसके चलते जो उनकी सीटें थी वो भी कम हुई थी। तब ये आश्वासन दिया गया था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से ये कहा था कि आवारा गोवंशों से ऐसी योजना बनेगी जिससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते किसानों में दिनों दिन आक्रोश पनपता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, राजधानी से सटा ये सीतापुर जनपद है, फिर भी आवारा गोवंशों से किसानों को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। राजेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र कुमार सोनधन, इसमें क्या सेक्रेटरी साहब ने जानवर बंद करवाए थे, उसके बावजूद जो गौशाला में बंद थे जानवर वो भी वहां से कल रात को छोड़ दिए गए। किसान बहुत परेशान है, हमारा पूरा गांव है, हम लोग जो यहां से नहीं कुछ होता तो अभी जाते हैं रोड जाम करेंगे सिधौली की हाईवे। अभी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, देख रहे हैं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम जा रहे हैं सिधौली की रोड जाम करेंगे। सिधौली क्या करें, खेतों में तो परेशानी से अच्छा है एक दिन वहां बैठ जाएंगे। हम 30-40 बीघा गेहूं चर गए हैं, जो भी कोई देखना चाहे तो देख ले आके गांव में। सबको फोन किया गया और लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। बता रहे बाड़ा की स्थिति, और वो बाड़ा की स्थिति देखने के बावजूद वहां के भी जानवर खुलवा दिए, और वहां के भी जानवर जी यहां जानवर बहुत ज्यादा हो गए गाँव में। यहां पे हमारे पीछे 100 से 120 लोग होंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।